नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ द्वारका में और आपको जैसा कि बताना चाहूँगा कि आर्य हिंदी न्यूज़ में मोहित अग्रवाल जी जो दिल्ली के ब्यूरो चीफ हैं, जिनको ये पद दिया जा रहा है और वो बहुत ही अच्छे से उसको संभालेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज मिलवा देते हैं कि मोहित अग्रवाल जी कौन है। ऐसे ही करके जो भी हमारी टीम में काम कर रहे हैं सबसे आपको मिलवाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आइए मोहित जी, कैसा है आपके द्वारका में? मैं आया हुआ हूँ और आज आप ज्वाइन कर रहे हैं आर्य हिंदी न्यूज़, तो कैसा लग रहा है आपको और क्या भूमिका आपकी रहने वाली है? क्या आप दर्शक को क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं जो कि आपको लगता है कि वो एक यूनिक और एक सबसे अलग तरह का वो कंटेंट होगा या फिर वीडियो होगा, इन्फॉर्मेशन होगी? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आदर्श जी का और आर्य न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे योग्य समझा कि मैं इस पद के लिए योग्य हूँ। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ जो है इस पद के साथ न्याय कर सकूँ, आपको हर वो न्यूज़ दे सकूँ जो कि इसके पीछे सच छुपा हो, कोई भी झूठी न्यूज़ ना हो जैसे और चैनल्स वाले करते हैं। हमारे चैनल में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। दिल्ली से लेकर, दिल्ली नहीं, अगर मुझे लगेगा कि मुझे कुछ और एक्स्ट्रा देना चाहिए दिल्ली हो, पूरे भारत के बारे में मैं आपको पूरी न्यूज़ पूरी सच्चाई के देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपको बता दूं कि मोहित जी हैं और ये दिल्ली का ब्यूरो चीफ, यानी कि अब ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली ये संभालने वाले हैं। तो अभी जैसा कि थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसा कि हम मोहित जी वृंदावन जा रहे हैं, आपको तो पता ही होगा क्योंकि इंटरनल टीम में हमारे ये साथ हैं और सारी इन्फॉर्मेशन चलती रहती है आपस में, तो उसको लेकर के थोड़ा सा आप बताना चाहें, जो हम वृंदावन का टूर करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहें, या फिर दिल्ली में भी कुछ, जैसे अभी MCD चुनाव आ रहे हैं तो उसमें आपके ऊपर प्रेशर भी बनेगा और आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ऐसी आएगी कि दिल्ली का जो MCD चुनाव है उसमें आप पूरा, मतलब आपको ही पूरा हैंडल करना पड़ेगा और भूमिका निभानी पड़ेगी, उसके बारे में क्या कहना है? आदर्श जी, मैं और दोस्तों बताना चाहूँ, पहले हमारा प्लान था कि हम जो हमारी टीम थी उस टीम के साथ मेरा भी जाने का प्लान था, बट प्लान जो है मैंने वो कैंसिल कर दिया। इसलिए कैंसिल करा कि अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, UP जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली देखूँ। दिल्ली में जो भी इलेक्शंस आ रहे हैं, दिल्ली में और भी कोई न्यूज आती है तो पीछे कवर करने के लिए मैं रहूँ, एक बैकअप के तौर पर मैं रहूँ। MCD इलेक्शंस जो भी होंगे, हर पार्टी की तरफ से हम लोग जाएंगे, आपको पूरी न्यूज़ देने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पार्टी कौन सी किस एरिया से अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छी से अच्छी न्यूज़ दें और हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी हो सच्चाई दें। जी, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी MCD में, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि BJP की सरकार है, गवर्नमेंट है MCD में, तो उसको लेकर के आपको क्या लगता है, दोबारा से होगी या नहीं? वैसे ये अभी ये सवाल पूछने का ये जनता जनाधन का क्वेश्चन है क्योंकि आप मेरे से कर रहे हैं, तो जनता का साइड जो होगा, क्योंकि आप दिल्ली संभालने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपका रिव्यू चाहूँगा क्योंकि एक इंट्रो वीडियो भी है और इसके बाद आप लोगों, आपको बता दूं दर्शक जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, कि मोहित जी आपको दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ को लेकर के आपको वीडियो में नजर आने वाले हैं। तो MCD में आपको क्या लगता है कि दोबारा से BJP बाजी मारेगी या फिर किसी और के हाथ में MCD की जो गवर्नमेंट है या MCD के जो भी चुनाव होते हैं उसमें कौन विजयी होगा? अरे जी, बिल्कुल मैं BJP के काम से संतुष्ट हूँ, कोई दो राय नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ, बट एक ही आदमी के पास, एक ही व्यक्ति के पास कोई चीज हो तो उसको ना एक लापरवाही के तौर पर ले लेता है। तो मैं कोई नई पार्टी आए उसका भी काम देखना चाहूंगा, दो राय नहीं है, बट मैं BJP के काम से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बट कोई नई पार्टी आए मैं उसका भी काम देखना चाहूंगा। जैसे BJP में दिल्ली में क्वेश्चन उठते रहे हैं कि BJP ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कोई और पार्टी हो, जैसे दिल्ली में दो पार्टियां हमारे BJP के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो मैं उनका कार्य भी देखना चाहूंगा और बाकी आगे कौन बाजी मारता है दिल्ली की जनता के ऊपर ही है। और सारा जो भी है वो जो भी जनता जनार्दन जो चाहेगी वो होगा। तो ये थे मोहित अग्रवाल जी जो कि दिल्ली के ब्यूरो चीफ हैं और जल्द ही आपको वीडियो में देखने वाले हैं MCD चुनाव में, और इनकी पूरी भूमिका रहेगी जो UP का चुनाव होने वाला है, जिसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ऑलमोस्ट आधा फरवरी जो भी चुनाव की डेट आएगी यूपी में, उसके अकॉर्डिंग वहां पर भी ये हमारी मदद करने वाले हैं, वहां भी कुछ न कुछ भूमिका जरूर निभाएंगे। तो यूपी चुनाव के बारे में थोड़ा सा कहिए, फिर उसके बाद क्लोजिंग करते हैं। जैसे यूपी चुनाव पूरे भारतवर्ष में सबसे अहम चुनाव माना जाता है क्योंकि लोकसभा में सबसे अधिक सीटें यूपी की हैं। तो जो भी पार्टी यूपी चुनाव को जीतती है उसका एक केंद्र में अहम मुद्दा रहता है कि वहां पे आगे जाके केंद्र में उसका जो वोटिंग है, जो भी परसेंटेज है, उसका एक अहम मुद्दा रहता है। फिलहाल जो भी है हमारी टीम, जो हमारा आर्य न्यूज़ की टीम है, जो भी डिसाइड करेगी, मैं उनके साथ बिल्कुल चलूंगा। बाकी जैसा भी होगा मैं अपना योगदान पूरा देने की कोशिश करूंगा। बाकी आदर्श जी आप बताइए, आप बेहतर जानते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पर्सनली बात कहूँ तो मोहित का हमारे इस न्यूज़ के साथ, न्यूज़ आ रही हिंदी न्यूज़ के साथ जुड़ना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है और मुझे पता है। और इनका एक खुद का भी चैनल है आर ए न्यूज हिंदी, माफ कीजिएगा नेक्स्ट एक है, और आर ए न्यूज भी इनका ही है जाहिर सी बात है। तो देखते हैं क्या कुछ हम जनता के लिए कर पाते हैं। और हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो ये है कि जनता के लिए ही हम ये चैनल खोल रहे हैं, जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचाना। और बाकी क्या उनका रिजल्ट रहता है, क्या उनका डिसीजन रहता है, वो तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, नमस्कार।